दोस्तों आज की कहानी है माजी देवरानी तो आपको फोन भी नहीं करती। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। किसका फोन था बहू? रमा जी ने अपनी बड़ी बहू अनीता से पूछा। सिया का था अम्मा, आज उसका जन्म ने तो प्रणाम करने को फोन किया था तो दिया क्यों नहीं मुझे फोन? रमा जी ने पूछा। अरे अम्मा आपको पूछा सिया, तब तो तू कभी पूछती नहीं आपकी छोटी बहू की। अम्मा कहाँ है, बात तो करवा दो दीदी, फिर कैसे दू आपको अपनी फोन? बड़ी बहू अनीता की बात सुन रमा जी ने कुछ जवाब नहीं दिया लेकिन बहुत दुखी हो गई। रमा जी सीधी सी घरेलू महिला थी, दो बेटे थे, बड़े बेटे की रमन की पत्नी अनीता और छोटे अमन की सिया। पति बरजेसी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, अपना घर था बरेली में, सभी खुश सुख थे जीवन के। अमन अपनी नौकरी के कारण बाहर रहता था, अपनी पत्नी सिया और बेटी पीयू के साथ। रमा जी कम बोलती थी और गंभीर महिला थी, कोई बात से दुखी भी होती तो चुप लगा जाती। बेवजह की लड़ाई झगड़ों से दूर बुढ़ापे में ईश्वर भक्ति में लगी रहती। अनीता स्वभाव से बहुत चतुर महिला थी, उसकी शादी के 10 साल बाद सिया बहू बन आई थी। पढ़ी लिखी आधुनिक सिया को देख अनीता एक असुरक्षा की भावना से गिर गई थी। अनीता का पूरा प्रयास रहता कि सिया अपने ससुराल में जगह ना बना पाई। जब भी सिया फोन पे अपनी सास के बारे में पूछती और कहती बात करवा देने को अनीता बहाना बना लेती। अम्मा अभी सो रही है, यहाँ पूजा करिए मैं बता दूंगी, वो बात कर लेगी। और इधर आपने सास को कहती आपकी बहू कभी आपको पूछती भी नहीं। धीरे धीरे रमा जी के मन में सिया के लिए कटुता भरती चली गई। जब अपनी सास की तरफ से रूखा व्यवहार सिया देखती तो वो भी रिश्तों में पहल नहीं करती और इस तरह दोनों सास बहू के संबंध अनीता ने बिगाड़ दिए थे। सिया के मन में अपनी सास के लिए जेर भरने लगी और दूसरी तरफ अपनी सास के मन में सिया के लिए। जब भी सिया बरेली आती तो एक मनसा पसरा रहता, दोनों के बीच अपनी मनसा सफल होती देख अनीता बहुत खुश होती। इस बीच सिया की तरफ से दोबारा खुशखबरी आई, पीयू भी छोटी थी तो अमन ने रमा जी को माँ कहा, माँ अगर आप आज जाते तो आसानी हो जाती, पीयू भी छोटी और सिया के शुरू के दिन हैं। इच्छा ना होते हुए भी रमा जी अमन को ना नहीं कह पाई। बेटे ने इतनी आसे भुलाया था और ये फर्ज भी था रमा जी का, लेकिन सिया के उनके घर की बहू बनने के 4 सालों के बाद भी दोनों के बीच झिझक सी थी। अनीता ने सुना कि अम्मा सिया के पास जा रही है तो सटपटा के रह गई, लेकिन कुछ कर तो सकती नहीं थी तो सो भी रही अमन के पास रमा जी को छोड़ भर जैसे जी। एक हफ्ता रुक वापस बरेली आ गई, पीयू के कारण रमा जी का मन लग जाता लेकिन सिया और उनके भी सिर्फ काम की बातें होती। सिया का मन होता अपनी सास के साथ खूब बातें करे, उन्हें मनोहार का खाना खिलाए, उनके हाथों के बने व्यंजन भी खाए, लेकिन रमा जी के सीमित व्यवहार से वो भी सुबह रोज जाती। इधर यही हाल रमा जी का भी था। कुछ समय बाद रमा जी को वायरल बुखार हो गया, डॉक्टर ने आराम करने को कह दिया। सिया ने खूब सेवा की अपने सास की, रमा जी संकोच संवश कहती सिया से, इस समय मेरे पास मत आ सिया, इन्फेक्शन हो जाएगा, कैसी बात करती अम्मा, अब माँ की सेवा से तो आशीर्वाद मिलता, इन्फेक्शन नहीं टाइम में दवा सूप और दिन भर पास बैठती। अपनी बहू का ये रूप देख सोचती रमा जी अनीता जो कहती थी वो सच था, या जो मेरी आंखें देख रही है वो सच है।
एक रात कमरे में सिया पियू को सुला रही थी और बालकनी में रमा जी और अमन बैठे थे। अम्मा आपको सिया पसंद है ना, अमन ने पूछा। रमा जी सोकर अमन को देखने लगी। ऐसे क्यों पूछ रहा है अमन, खुश नहीं अम्मा? वो सिया को लगता है आपको कटी कटी रहती है। सिया से जितना भाभी से खुलकर बात करती, यहाँ कुछ काम करने को कोई कहती है वैसे सिया को नहीं कहती। अमन की बात तो सुन रमा जी के मुंह से भी निकल गया, सिया भी तो कभी मुझे फोन नहीं करती। दरवाजे के पास खड़ी सिया ने सब सुन लिया और ये समझते एक मिनट भी नहीं लगा कि ये खेल जेठानी जी का रसा हुआ था। अपनी सास को आश्चर्य से देखती सिया ने कहा, लेकिन अम्मा मैं तो हमेशा दीदी से पूछती थी आपके बारे में, और जब भी आपसे बात करवाने को कहती तो वो ये कह कहती है कि आप बिजी हो, कभी पूजा में तो कभी खुश। अम्मा जी समझ गई अनीता की, साला क्या ये तो बहुत गलत किया अनीता ने। अमन फोन तो लगा अपनी भाभी को, गुस्से से लाल चेहरा हो गया। रम्मा जी का अपनी शांत सोभी अम्मा को पहली बार इतनी गुस्से में देख अमन सो गया। तभी सिया ने रम्मा जी के गले में भाई डाल कहने लगी, जाने दीजिए ना अम्मा, इसमें हम दोनों का भी दोष है, हमने भी अपनी रिश्ते नींवों को मजबूत नहीं किया। तभी तो दीदी ने गलत फहमी की दीवार उस पे बना दिया। अब इन बातों को भुला दिया, अब मुझे दीदी से कोई शिकायत नहीं। सिया का ये शोभीय रूप देख रमा जी दंग रह गई, जिसने सिया को ससुराल में बसने नहीं दिया, अपनी सास की नजरों में गिराने का प्रयास किया, उसे कैसे इतनी आसानी से माफ कर रही है, कितना बड़ा दिल है सिया का। क्या क्या नहीं सोचा था इस बच्ची के बारे में, अपनी खुद की सोच भी शर्मंदगी से महसूस होने लगी। रमा जी को भी दोनों घंटों बात करती सिया, अपनी सास से नए नए व्यंजन बनाना सीखती। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं साला। डिलीवरी के समय जब सिया प्रसव पीड़ा के दर्द से गुजर रही थी, रमा जी माँ बन कभी सिर सहलाती कभी से सराहती सिया को, हौसला देती, हिम्मत रख बेटा सब ठीक हो गया। सिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और रमा जी के साथ बहू से बेटी का सफर भी तय कर लिया। जब रमा जी वापस बरेली जाने लगी तो सिया ने रमा जी के पर्स में नया मोबाइल डालते हुए कहा, अब आपसे बात करने के लिए दीदी के मोबाइल पे कॉल नहीं करना पड़ेगा, और गले लग गई। दोनों खूब रही जैसे सास ने अपनी माई जा रही हो, गलत फहमी की दीवार गिर चुकी थी और सास बहू से माँ बेटी के नए बंधन में दोनों बांध गए।